हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। ठंड आ चुकी है और हर कोई चाहता है कि उसका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हो और बहुत ही हेल्दी वे में अपना वो वेट लॉस करें, लेकिन चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं कि हम क्या करें। इवन सब कुछ करके हम थक चुके हैं, हमने वॉक भी कर ली, हमने जिम भी ज्वाइन कर लिया, हमने योगा भी कर लिया, हमने डाइट भी कर, सब कुछ करके अगर आप थक गए हैं फिर भी आपका वेट लॉस स्टक कर गया है या फिर वेट लॉस होना स्टार्ट ही नहीं हो रहा है अभी तक, तो आज मैं जो चीज़ लेके आई हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिकॉज ठंड का, और मैं बोलूँ आपकी लाइफ का इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आई थिंक जो तब लगा कि हाइसा की जो हीरोइन है भूमि पेडनेकर करके कोई हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका सरनेम नहीं पता है, लेकिन हाँ उनका नाम भूमि है। तो उन्होंने किस तरह से एग्जैक्टली मात्र मैं बोलूँ एक महीने में 30 किलो वजन कम किया था, और वो भी इस तरीके से, और मैं बोलूँ ठंड में ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं इसको ठंड में लेके आई हूँ। गर्मी में इसको प्रेफरेंस नहीं दी बिकॉज चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हूँ, और जब ऑफ सीज़न आप चीज़ें खरीदो, पहली बात तो वो उतना फ़ायदा नहीं करती हैं, उसे प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है, और सेकंड चीज़ काफ़ी कॉस्टली होती है, इसीलिए जिस सीज़न में जो चीज़ें अवेलेबल होती है मैं उसी सीज़न में उसको वो चीज़ बताती जाती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ वही चीज़ लेके आई हूँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत सस्ता है, इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता, और सबकी पहुँच में भी है। मतलब जैसे बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, बहुत से लोग मार्केट नहीं जाते हैं, बहुत से लोग उतनी चीज़ें नहीं उतनी पहुंच के पास उनके पहुंच के पास होती है, लेकिन हाँ अगर आप अभी भी विलेज में रहते हो तो आपके पास तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें कंज्यूम करने की। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो विलेज में रहते हैं, तो उनका ये कहना होता है सुगम हमको ये नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के घर में हर चीज़ें अवेलेबल हैं इसके लिए, और आप के पास सबसे शुद्ध चीज़ें। हम तो फिर भी मार्केट में जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में तो रहता है कि हम चीज़ें शुद्ध ही खरीद रहे हैं। क्या है, कैसे है, चलिए दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और पर्सनली वो चीज़ मैं अपने लिए बनाने वाली थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरे घर के ही सामने ये एक छोटा सा कूल जग 100 रुपीज़ का बेचने आया था, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, मैंने 4 से 5 इसे परचेज़ किए और मैंने अपने यूज़ में इसे रखा। वो किस यूज़ में रखा मैं अभी आपको बताती हूँ। मतलब बहुत अच्छा वर्क किया इसने, और एग्जैक्टली मैंने लिया भी किस लिए था, जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे माइंड में आया, बिकॉज बार बार इधर उधर बॉटल खोजना और ठंड आ गई है तो हमें फ्रिज के पानी की ज़रूरत भी नहीं है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट था ये चीज़। देन उसके बाद मैंने जो चीज़ लिया वो चीज़ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली जो भी मेरे पास घर में पड़ा था, मैंने लिया यहाँ पे एप्पल लिया, अमरूद लिया, और मतलब ये लिया, और ये इतना क्यूट था कि मुझे बार बार बड़ा अच्छा लग रहा था इसे देखते हुए। तो फिलहाल अभी मैं इसको रखती हूँ साइड में और जस्ट तैयारी करती हूँ पहले अपना वाटर बनाने की। यहाँ पे मैंने लिया अमरूद, सेब, जो भी सीजनल आपके पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है वो लेना। मेरे पास आधा बीट रूट चुकंदर पड़ा हुआ था, वो मैंने यहाँ पर लिया। मतलब उसको छिलका बहुत अच्छे से वॉश करना, और मूली अभी मैं इसे बहुत अच्छे से वॉश करूँगी, देन इनका छिलका उतारूँगी, देन इसके बाद मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। बिकॉज़ ये सारी सर्दियों की सब्जियाँ हैं, मूली भी इस समय मिल रही है, अमरूद भी मिल रहा है, और आंवला तो मतलब मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है, मैंने मंगा लिया बिकॉज ऑयल में बना के इसे रखती हूँ, मैं इसे जूस बना के रखती हूँ, सारी चीज़ें, और जो भी वेस्टेज आपको फ्रूट्स में लग रहा है वो आप निकाल देना, बिकॉज़ ये आप रॉ खाने वाले हो, कोई चीज़ बना के खाने वाले नहीं हो, इसलिए जो भी आपको लग रहा है उसे पूरी तरह से हटा देना। सारे फ्रूट्स को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है, वन मैंने लेमन भी डाला है बिकॉज मुझे खट्टापन अच्छा लगता है, और इसके बाद ये जितने भी फ्रूट्स हैं मैं इससे डाल के 2-3 आवर रख दूंगी, हो सके तो रात में भी रख देना बिकॉज सर्दियां हैं तो ये ख़राब पानी नहीं होगा। पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी गिरा दूंगी बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें इसमें डालूंगी तो पानी ऊपर फ्लो कर जाएगा, तो सारी सब्जियों को आपको इसमें डाल देना है और 2 से 3 घंटे इसे ऐसे ही रखना है ताकि जितने भी फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट हैं इस पानी में आ जाएँ। देन उसके बाद जब भी दिन में प्यास लगती है मैं इससे ही पीती हूँ, और ये मेरा फुल डे का वाटर है और इस समय सिर्फ मैं यही पानी पी रही हूँ, बेस्ट काम कर रहा है, मतलब मेरे स्किन के लिए, मेरे वेट लॉस के, और सबसे बड़ी बात है
पेट की गंदगी को निकालने में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मतलब मेरे लिए ये भी है कि मैं मुझे सिर्फ इसी का ही पानी पीना है। तो बेस्ट वाटर है ये आपके इन सर्दियों में। जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो आप अच्छे से इसे ले कर डाल दो और तीन से चार और पूरा दिन रखा रहेगा तो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट आते ही रहेंगे पानी में। तो इस तरह से अगर आपको भी कोई चीज़ मिल जाए तो आप ज़रूर पीना, और ये पानी तो आपको ज़रूर ही पीना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जिस तरह से मैंने बोला है आपको उसी तरह से इसे रखना है। मैंने तो ये जो वाटर कूलर छोटा सा लिया 100 रुपये का मुझे मिल गया, तो मेरे लिए उसे रखना ज़्यादा सही हो गया। और ठंड है तो चीज़ें ख़राब ही नहीं होती, गर्मियों में चीज़ें ट्राई करेंगे तो फ्रिज में ही रखनी पड़ेंगी। और उतना चिल्ड वाटर बॉडी के लिए भी ज़्यादा सही नहीं होता है, इसीलिए ये चीज़ मैं ठंड में ही करती हूँ हमेशा से। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।